एवरीवन, वेलकम इन गुरपुष ऑफिशियल। आज है 10 मई और अभी नाइट के 1:15 हो रहे हैं। एक्चुअली 11 मई चढ़ चुका है और नदर का बर्थडे स्टार्ट हो चुका है। तो ये मैंने उसके बर्थडे की कल की प्रेपरेशन की है। कल उसका बर्थडे है तो हम पूजा करवाने वाले हैं, तो मैंने नाइट में ही सारी तैयारी कर ली है। और ये मॉर्निंग में वो उठ गया है तो उसके रूम में थोड़ी सी मैंने बैलून के साथ डेकोरेशन की थी उसको स्पेशल फील करवाने के लिए। अभी वो वही डेकोरेशन एंजॉय कर रहा है और बता रहा है कि कितने बैलून्स लगे हैं। कभी 2 बोल रहा है, कभी बहुत सारे बोल रहा है। तो अभी बस हैप्पी हो रहा है वो देख के अपनी डेकोरेशन को, और थोड़ा चाहता है कि कडल करें मेरे साथ। थोड़ा जानबूझ के वो ऐसे लेजी सा हो रहा है, ऐसे ही करता है वो मॉर्निंग में उठ के। ये देखिए अभी अपने पापा को देख के कैसे लेट गया कि मेरे पास आएंगे और मुझे कडल करेंगे। तो अभी हैप्पी बर्थडे हो रहा है उसका, उसको हैप्पी बर्थडे विश किया जा रहा है पापा की तरफ से। और ये देखिए, ये मैंने डेकोरेशन की थी उसके लिए, थोड़ी सी उसके टॉयज हैं जो उनके ऊपर बर्थडे कैप्स लगाई। एक्चुअली डेकोरेशन करने वाले आज दिन में आने वाले हैं, तो फिर मैंने थोड़ी सी हल्की सी डेकोरेशन की थी कि बाद में फिर वो उतार के न्यू डेकोरेशन करेंगे। तो ये देखिए कैसे जानबूझ के आंखें बंद कर रहा है कि मुझे नीनू आ रहा है। Your pretty eyes make me smile and your little fits make me stay with you. Eyelashes moving softly, arms make me oh love you. Ooh babe, I love you so much, so much. Ooh babe, I wanna stay with you, with you. Your pretty eyes make me. वेलकम इन गुरपुष्प ऑफिशियल। आज है 11 मई और आज है नदर का 2nd हैप्पी बर्थडे। तो चलिए नदर को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, पर अभी वो रेडी नहीं है। रेडी होगा, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी उसके पापा और वो रेडी होगा। नदर हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नदर। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। नदर ने थैंक यू बोला सबको। अभी नदर रेडी होगा, सुंदर सुंदर कपड़े पहनेगा और पापा भी रेडी होंगे। फिर हम करेंगे पूजा। पूजा की मैंने सारी तैयारी कर ली है, अभी पंडित जी आएंगे तो फिर हम पूजा स्टार्ट करेंगे। जी एग्जैक्ट 10 बजे आ गए थे, उसके बाद उन्होंने सारी तैयारी स्टार्ट कर दी और फिर उन्होंने हमें बोला कि जो फूल मालाएं हैं जो आप अपने गुरु महाराज को अर्पित कर दें, और जहाँ पे हमने अपने घर में मंदिर बनाया है वहाँ पे भी उन्होंने एक दीप जलवाया हमसे। जैसे जैसे वो बताते गए हम लोग फॉलो करते गए। और अंशिका और उसकी फैमिली भी आ गए थे, हमारी फैमिली का ही पार्ट हैं वो भी ठीक टाइम पे पहुंच गए थे पूजा स्टार्ट होने से पहले ही। हमने अभी उनको इनवाइट किया था, बाकी बच्चों की जो सेलिब्रेशन है वो हम इवनिंग में करने वाले थे। तो ये हमारे लिए एक क्लोज फैमिली मेम्बर्स की तरह ही हैं, तो हमने ज़्यादा किसी को पूजा के टाइम पे नहीं बुलाया था, बस इनकी फैमिली को ही बुलाया था। अंशिका, उसका भाई, मम्मी पापा और दादी, ये सब लोग आ गए थे टाइम पे। और फिर उसके बाद हमने पूजा की। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे हमने नदर के बर्थडे की पूजा की और हवन डलवाया।
सावन स्टार्ट हो गया है, बड़े बॉय बीच बीच में पूजा में बैठ रहा था और फिर उसका ध्यान था खेलने में, दीदी के साथ खेलने के लिए वो उठ जाता था। पंडित जी ने बोला कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो उसका हाथ हम लगवा लेते थे और फिर हमने उसकी लंबी आयु के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सब कुछ उसकी लाइफ में अच्छा अच्छा हो, ढेर सारी उसको खुशियाँ मिले, भगवान उस पर सदैव अपनी कृपा बना के रखें, ऐसी हमने प्रार्थना की और उसके बर्थडे की पूजा की। पूजा कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले पंडित जी को भोजन करवाया और फिर वो चले गए, और उसके बाद नरक के पापा ने यहाँ पे खाना स्टार्ट किया है क्योंकि उनको बहुत भूख लगी थी। पूजा में बैठे थे हम लोग, तो हमने सुबह से कुछ भी खाया नहीं था, बच्चों को दिया, दादी को दिया, और बाद में फिर हमने खाना खाया और उसके बाद फिर हमने बच्चों को सुला दिया क्योंकि अभी बैलून लगाने वाले आने वाले थे, तो हमने सोचा कि पहले ही इनको सुला देते हैं, फिर बाद में हमें बहुत परेशान करेंगे बच्चे, और इवनिंग तक थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाएंगे। एग्जैक्ट 3:30 पे आ गए थे बैलून लगाने वाले, 2 घंटे लगे उनको डेकोरेशन करने के लिए, और नदर को पता नहीं आवाज़ आ गई, वो आगे 2-2.5 घंटे सो लेता है आराम से, लेकिन आज वो मुश्किल से 1 घंटा ही सोया होगा। कुछ जब बैलून फुलाते हैं तो वो फूटते भी है ना, उनकी शायद आवाज़ आ रही थी या उसको एक्साइटमेंट इतनी थी अपने बर्थडे की, उसका दिन भी था, उसका स्पेशल डे था शायद, इसलिए वो उठ गया और उसने पूरी डेकोरेशन होते हुए देखी। बैलून्स को देख के खुश हो रहा था, इतने कलरफुल थे सभी बैलून्स, कभी उसको कोई कलर अच्छा लग रहा था तो कभी कोई, बस इधर उधर देख रहा था उनको उठा उठा के, और कभी बिग बैलून्स उठा रहा था, कभी स्मॉल वाले उठा रहा था। तो फिर उसके बाद हमने इन बिटवीन ही बच्चों को तैयार भी कर दिया और तब तक डेकोरेशन भी कंप्लीट हो चुकी थी। ये देखिए, ये हमने हॉल में जो डेकोरेशन करवाई है वो है, और उसके बाद हमने जहाँ पे नदर सोता है बेडरूम में भी थोड़ी सी उसके लिए डेकोरेशन करवाई है ताकि उसको थोड़ा सा और अच्छा लगे। और ये देखिए, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, यहाँ पे भी कोकोमेलन के थीम के ही मैंने ये लगवाए हैं। ये देखिए, उसको अच्छा भी लग रहा था, और अभी वो अंशिका के साथ प्ले कर रहा है, पापा का फ़ोन लिया हुआ है उसने, रेडी हो चुका है, बस अभी केक लेने जाएंगे और उसके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर केक कटिंग करेंगे। अंशिका उसको तैयार कर रही है, इतनी केयर करती है ना वो, मुझे पूरा दिन टेंशन ही नहीं रहेगी उसको क्या खिलाऊँ क्या ना खिलाऊँ,
वो खुद ही उसको खिलाती रही। और ये आने लग गए बच्चे, और अंशिका ने उसके हेड पे कैप लगा दी कि ये बड़े बॉय है, रेडी कर दिया है उसने अपने भाई को। और नदर का फ्रेंड शिवाय आ चुका है, ये देखिए नदर कैसे मिल रहा है उसको और उसको बता रहा है कि आज हैप्पी बर्थडे है मेरा, हैप्पी हैप्पी ऐसे करता है वो। लेकिन अभी देखते हैं आगे, ये देखिए अभी ये काना भी आ गया है और काना को देख के भी वो खुश हो गया, उसको मिला है। सभी को देख रहा है कि कौन कौन आया है मेरे घर पे, दीदी को सभी को मिल रहा है वो, सभी से प्यार से मिला वो, उसने सभी का वेलकम किया। हमें देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी नेचर भी ऐसी है। और जब आप देखते हो कि आपके बच्चा भी ऐसे ही सबको वेलकम करके मिलता है तो और भी अच्छा लगता है, वी फील सो प्राउड। ये देखिए अभी वो अंशिका को मिल रहा है, उसको मिलता मिलते मिलते फिर याद आ गई किसी और की, उनको मिल रहा है। अंशिका को तो सुबह से वो कितनी बार मिल चुका है, किस चीज़ कर चुका है, अभी शिवाय की टर्न है, शिवाय को किसी करेगा वो। ये देखिए ये उसके फेवरेट दो ही फ्रेंड्स हैं, शिवाय और कान्हा, बाकी भी है तो हैं बट इन दोनों को वो कुछ ज़्यादा ही करता है, शायद इसलिए कि उसकी एज ग्रुप के हैं वो लोग। और ये आ गया है नदर का बर्थडे केक, कोकोमेलन थीम का ही बर्थडे केक बनवाया था हमने, और रेनबो केक बनवाया था ये हमने, इनसाइड इसमें रेनबो कलर्स थे। तो बच्चे सभी आ चुके थे, जिन जिन को हमने इनवाइट किया था सब लोग आ गए थे। तो फिर उसके बाद हमने केक कटिंग स्टार्ट की, क्योंकि केक देख के बच्चे भी एक्साइटेड हो गए थे कि अब जल्दी से केक कटिंग कर दो। तो ये देखिए नदर केक कटिंग कर रहा है, काफ़ी खुश था वो, लेकिन सभी की गैदरिंग देख के वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया क्योंकि छोटा है वो, उसको अभी इतना छोटे बच्चे को पता नहीं होता कि वो कैसे रिएक्ट करे। वरना जब भी हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग हम चलाते थे और वो खुद ही क्लैप करने लग जाता था, लेकिन अभी वो थोड़ा कॉन्शियस हो गया तो बस अपने पापा के पास ही रहना चाह रहा था वो। और ये देखिए उसने केक खाया और साथ में सबको देख भी रहा है जब सब लोग क्लैप कर रहे थे और खुश हो रहा था कि मेरे बर्थडे पे सब लोग आ गए हैं। आप भी कुछ मोमेंट्स एंजॉय कीजिए। केक कटिंग के बाद फिर सभी बच्चों को सर्व किया, कुछ खा चुके थे कुछ खा रहे थे, और साथ साथ में फिर डांस स्टार्ट हो गया, बच्चों ने कुछ ने डांस किया। नदर भी वैसे बहुत डांस करता है लेकिन वो आज वही ना सबको देख के थोड़ा कॉन्शियस हो गया तो वो डांस नहीं कर रहा था इतना, बस खुश हो रहा था वो सबको देख के, वरना वो भांगड़ा स्टाइल में पूरा प्रॉपर डांस करता है। तो अभी मैं उसको थोड़ा सा डांस करवा रही हूँ, फिर बाद में उसके पापा ने उसको थोड़ा सा डांस करवाया उसका सॉन्ग लगवा के, तो बस ऐसे ही खुश हो रहा था वो। तो उसके बाद फिर हमने बच्चों को थोड़े से रिटर्न गिफ्ट देने थे तो फिर हमने बच्चों को बिठा लिया, अब उनको एक चैलेंज दिया कि जो पहले डांस करेगा ना उसको मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने डांस नहीं किया था तो ऐसे ही उनको चैलेंज किया कि जो जो डांस करेगा उसको मिलेंगे। पर कुछ बच्चे शाही फील करते हैं तो फिर ज़्यादा फोर्स नहीं किया सबको, बस ऐसे ही देखो। अंशिका तो पूरी सुपर एक्साइटेड रहती है डांस के लिए और वो ऐसे शर्माती भी नहीं है किसी से भी, फर्स्ट टाइम भी जिसको मिलेगी ना वो उसको अपना बना लेती है अपनी बातों से। तो सबसे पहले उसने ही अपने भाई के बर्थडे पे डांस किया और फर्स्ट गिफ्ट उसने ही लिया। ये देखिए काफ़ी अच्छा डांस किया उसने, और ये यहाँ पे कुछ मुंह सा बना रही है वो, और अपनी पसंद का गाना लगवाया था उसने। तो ऐसे ही फिर बच्चों को औरों को बोला डांस करने के लिए, कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया, बस फिर हमने रिटर्न गिफ्ट सबको दिए और सब बच्चे बहुत खुश थे, एंजॉय कर रहे थे वो। ये देखिए
मैं अभी गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, सभी के रिटर्न गिफ्ट दिए हैं। ये अभी काना का है, काना भी थोड़ा शाई फील करता है, उसको ये था कि पता नहीं क्या है इनसाइड, तो वो पहले ले नहीं रहा था, अपनी सिस्टर को बोल रहा था कि क्या है इसमें, क्या है इसमें, और मुझे समझ में नहीं आया, तो वो बोल रही कि वो पूछ रहा है इसमें क्या है। फिर मैंने जब उसको बताया ना कि इसमें क्या है, तो उसने झट से पकड़ लिया फिर गिफ्ट। बच्चे हैं, सभी की अपनी नेचर होती है। फिर मैंने उसको दिखा दिया और उसने, जिनको अभी नहीं मिला था गिफ्ट, उनके मन में क्यूरियोसिटी चल रही थी कि अभी किसका बैग आने वाला है और इस बैग में क्या होगा। तो ऐसा शायद हम भी बचपन में करते ही थे, आप भी रिलेट कर सकते हो कि जब तक हम गिफ्ट को ओपन करके देख ना लें, तब तक होता ही रहता है कि पता नहीं क्या गिफ्ट दिया है या क्या होगा हमारे वाले बैग में। बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि मैं उनकी आंखों में देख पा रही थी कि वो देख रहे थे अब किसका नाम आने वाला है, किसको गिफ्ट मिलने वाला है। तो आप भी लेट कर सकते हो, हम भी शायद बचपन में ऐसे ही करते थे, जब तक हम गिफ्ट देख ना लें हमें क्यूरियोसिटी बनी रहती थी कि क्या होगा मेरा गिफ्ट। तो बस ऐसे ही फिर बच्चे बाद में जाने के मूड में हो गए, फिर सबको बाय बोला, और ये जो बड़े थे आए हुए इनको मैंने थोड़ा सा बिठा लिया कि आप लोग बैठो, और बच्चों को सभी को बाय बोला नदर ने। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, नदर का पूरा बर्थडे मैंने आपको दिखा दिया है इसमें, बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन रही हमारी। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और मुझे 1K तक रीच करने के लिए हेल्प करें। जल्द ही आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।